देखिए, जलंधर में जो हमारी सिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, अध्यक्ष हैं कुलवंत सिंह मंडन साहब और सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं चाहती थी कि यहाँ हम अपना कैंडिडेट जलंधर वेस्ट में फील्ड करें, क्योंकि पार्लियामेंट में भी हमें बहुत थोड़े वोट मिले, 2600 वोट मिले। ये कॉन्स्टिट्यूंसी 23 साल लगातार बीजेपी के पास रही है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो वीक थी। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के वहाँ शहर के अध्यक्ष हैं, वो चाहते थे कि पहले 2 साल में हम ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएंगे, फिर जनरल इलेक्शन में यहाँ हम इलेक्शन लड़ें। लेकिन कुछ हमारे साथियों ने जबरदस्ती, एक बहुत हमारा पुराना टकसाली परिवार है, वो बीबी सुरजीत कौर जी को वहाँ उनके फार्म भर दिए, जबकि पार्टी चाहती थी कि हम बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दें, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के पास ये सीट थी हमारी। तो जल्दबाजी में उन्होंने फार्म भरवा दिए। अब हम नहीं चाहते कि पार्टी का पुराना परिवार है उसका नुकसान हो, उनके पास पैसा भी नहीं है, गरीब परिवार है। तो ये लोग जो खुद उनको खड़ा करके खुद तो बगावत कर रहे हैं, तो उनकी इलेक्शन कौन लड़ेगा, उनको फंसा के बीच में। तो ये आप तो उसी शहर में जो है बगावत करने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उनकी इलेक्शन क्या प्लान है? अगर इनको इतना ही हित था तो ये कम से कम अपनी बगावत 15 दिन आगे डाल लेते। उनको खड़ा कर दिया, आप बगावत कर दी, तो आप कह रहे हैं कि उसको विड्रॉ क्यों कर दिया। तो जलंधर चुनाव में सोनी कालिंदर किसे सपोर्ट करेंगे? कहते असि बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो तो क्लियर कट अनाउंस कर दिया। नहीं, सुखबीर बादल तो पार्टी चला रहे, धड़ा तो वो बना रहे।